कहानी के बीच में टोकोगे। मैं ऐसे ही सुनाता हूँ और मेरा किस्सा 2 करोड़ साल पहले ही शुरू होता है। सुनना है तो सुनो, नहीं तो प्लेट इधर लाओ। अच्छा सॉरी, चल तू जैसे चाहे वैसे सुना, ठीक है? शुरू हो जा। तो मैडम बात है कुछ 2000 करोड़ साल पहले की। सन 1947 में मैं इंडिया गेट पे ना आधी रात को लेफ्ट राइट करते हुए जा रहा था। चारों तरफ से मैडम गोलियां चल रही थी। तभी मुझे चंदा मामा से चाचा नेहरू का टेलीफोन आया। मैं बोला यस, चूचा स्पीकिंग। तो चाचा नेहरू बोले कि चूचे भाई, इस वक्त रात के 3 बजे आपकी देश को सख्त जरूरत है कि चाइना वालों के देश ने हमला कर दिया है। मैंने कहा चाचा नेहरू जी, मैंने अभी अपनी मम्मी से पूछ के आया। मैडम मैंने अपना स्पाइडर वाला सूट निकाला, कच्छा ऊपर चढ़ाया और श्यू श्यू करते ना घर पहुंच गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मम्मी रसोई में राजमा चावल बना रही थी। मैंने कहा क्यों ना जंग पे जाने से पहले राजमा चावल खा लूं। नहीं वो क्या है ना कि मेरा छोटा भाई बाद में मेरे हिस्से का वो खा जाता है। चलो कोई नहीं, मैं बाहर निकला। बाहर चमगादड़, क्या हो रहा है? पागल है हम? नहीं पागल है क्या? सपना का है इसमें? चल अब एक काम कर, 4 चाटे लगा ले अपने मुंह पे फटाफट। सपना? मैंने कब कहा कि इसमें सपना है? तूने नहीं कहा, मैंने पूछा था कि सपने का क्या चक्कर है और तू ये स्पाइडरमैन की जाल बुनी जा रहा है। लगाता है कि मैं उठूं? मैडम सपना अपनी जगह, कहानी अपनी जगह, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और रही बात चांटों की, तो आपकी खुशी के लिए 4 क्या 40 लगा लूं? बकवास बंद कर अपनी। तूने तो कहा था तू सपना देखता है और वो लोमड़ उसके नंबर निकालता है। सही सही बता वरना खर्च हो जाना आज तो मेरे हाथ से। मैम ठीक तो बात है, सपना मैं रात को सोते हुए देखता हूँ, कहानी दिन में जागते हुए। हम ना बड़े करू बंदे हुआ करते हैं। अच्छा और क्या क्या करते हैं ये करू बंदे? ब्रेक डांस ऑफ द हिप हॉप विद कथकली।